बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज़ सर सऊद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सऊद सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, हम अपने सेकंड ईयर जो मॉडल पेपर्स बना रहे थे उसको आगे बढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2023 का पेपर है, सेक्शन सी सॉल्व करेंगे, डिटेल क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, अब ये जो सवाल लिया गया है क्वेश्चन थ्री एक्सरसाइज नंबर 3.1 से लिया गया है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू फॉर विच द लाइन की इक्वेशन दी हुई है इफ़ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स हो जाएगी एंड हैज़ वाई इंटरसेप्ट -3 के बराबर होगा। राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अब आप देखें, इस गिवन लाइन को मैं डायग्राम में सेट करता हूँ। मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया। अच्छा, मैंने इसको नीचे यहाँ पे बिलो द वाई एक्सिस लिखा क्योंकि वाई इंटरसेप्ट मुझे -3 दिया हुआ था। ये लाइन की इक्वेशन आपके पास गिवन है, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। अब इसके बाद हम जो है इसका प्रॉपर सॉल्यूशन जो है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा कि गिवन दैट इक्वेशन ऑफ लाइन एल लैम्डा प्लस 2μ-3 इंटू एक्स प्लस 2λ-μ+1y प्लस 6λ+9 0 इक्वेशन नंबर 1। अब एक्स का क्वेश्चन ए होता है, इसको बाहर निकाल लीजिए। वाई का क्वेश्चन बी होता है और सी कॉन्स्टेंट टर्म होती है, 6λ+9, इसको हमने लिख लिया। हमने लिखा लेट एम बी द स्लोप ऑफ लाइन एल। तो अगर किसी लाइन का स्लोप, लाइन की इक्वेशन पता हो और स्लोप मालूम करने का फॉर्मूला हो तो -a/b करते हैं। ए माइनस, ये आपने ए पुट कर दिया और बी पुट कर दिया। अब हमने लिखा लेट एम डैश बी द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एम डैश बराबर 0 को हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस स्लोप क्या होता है, 0 होता है। सिंस गिवन लाइन एल पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, एम इज इक्वल टू एम डैश। अब आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई करेगा, 0 से ख़त्म हो गया। माइनस इंटू लेमडा प्लस 2μ-3 इज इक्वल टू 0, और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा प्लस 2μ-3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब नई कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है -c/b। अब हम इसमें सी और बी की वैल्यू पुट करेंगे और वाई इंटरसेप्ट -3 के बराबर दिया, वो रिप्लेस कर देंगे। बेटे देखिएगा, -3 इज इक्वल टू -6λ+9/2λ-μ+1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6λ-3μ+3 इज इक्वल टू 6λ+9, 6λ से 6λ कैंसिल हो गया, -3μ ये उधर शिफ्ट करेंगे, 9-3 = 6, 3 2 = 6, माइनस को उधर शिफ्ट करेंगे, म्यू की कीमत -2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो लैम्डा निकल आएगा हमारे पास। लैम्डा प्लस 2 × -2 - 3 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा -4 - 3 इज इक्वल टू 0, लैम्डा की कीमत 7 आ गई। बेटे इसके साथ ही अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे और सिम्प्लीफाई करेंगे। पुट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन नंबर 1। 1 इज इंप्लाइज दैट 7+2 × -2 - 3 × x प्लस, बस आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, 2 × 7 - 2+1 = 6 × 7+9 = 0। अब सिम्प्लीफाई करेंगे, 7 - 7 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 14+2+1, तो ये सब सिम्प्लीफाई होके देखें, 7 - 7 = 17x, 17y और +51 = 0। अब आपने 17 से डिवाइड कर दिया, y+3 = 0, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो लिया गया है वो एक्सरसाइज 8.4 से लिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और रिपीटेड है। शो दैट, साबित करें द एसेंट्रिसिटीज ऑफ ई1 एंड ई2 ऑफ टू कॉन्जुगेट हाइपरबोलास सेटिस्फाई द रिलेशन e1² + e2² = e1² e2². बेटा थ्योरेटिकल सवाल है, इसको जरा और से देखिएगा। ये कह रहा है लेट ई1 बी द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला ऑफ x² / a² - y² / b² = 1, हुज सेंटर एट ओरिजन एंड ट्रांसफर एक्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सेस। तो इसकी सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e1 = c/a, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ लेट, सपोज करेंगे e2 बी द सेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला
हुज इक्वेजन इज वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब क्योंकि एक्सिस चेंज हो गई है तो सेंट्रिसिटी क्या बन जाएगी, ई टू इज इक्वल टू सी अपॉन बी बन जाएगी। पहले सी अपॉन ए थी, अब सी अपॉन बी बन जाएगी। इक्वेजन नंबर टू का नाम देंगे यहाँ। अब हम क्या करेंगे, हम इस प्रूफ के लिए स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे इक्वेजन नंबर वन एंड टू का। तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होती है, तो ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो बड़े यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर कॉमन निकाला, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर। अब हम एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब याद देखिए कि हाइपरबोला में ये रिलेशन होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह हम सी स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए ई वन स्क्वायर प्लस ये तो चलते ही जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब क्योंकि मल्टीप्लाई में तो हम सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखिए बेटा ये सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे सी अपॉन ए का होल स्क्वायर और सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को सी अपॉन बी का होल स्क्वायर बाय इक्वेशन नंबर वन। ये फार्मूला था ई वन का और ये फार्मूला था ई टू का, ई वन स्क्वायर ई टू स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। ये ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर इज इक्वल टू ई वन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ई टू स्क्वायर हो जाएगा। अब हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव की जानेब। तो देखिएगा ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 5.3 एक्सरसाइज से लिया गया है, मोस्ट रिपीटेड सवाल है। ये कह रहा है शो लेट साबित करें मैक्सिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स अपॉन एक्स इज वन अपॉन थ्री आएगा। सॉल्यूशन में आपने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स अपॉन एक्स लिया इक्वेशन नंबर वन, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए से, यहाँ पे यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगेगा। अब जरा गौर से देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम वी लिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स यू को करते हैं, माइनस यू बाहर निकालते हैं, फिर वी को डिफरेंशिएट करते हैं और नीचे वी का स्क्वायर करते हैं। अब देखिए एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस एल एन एक्स बेटा एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड टू हो गया। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे टू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए से, तो ये ऊपर वाला बन जाएगा यू, नीचे वाला वी, तो दोबारा यू अपॉन वी वाला फॉर्म लगेगा, तो वी आएगा एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट करेंगे यू को वन माइनस एल एन एक्स माइनस वन माइनस एल एन एक्स और एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई पावर फोर हो जाएगी डबल एक्स फोर हो गया। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। अब करें इसको सिंप्लीफाई बेटा, एफ डबल प्राइम एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस वन माइनस एन एन एक्स टू एक्स हो गया ओवर एक्स फोर। अब आपने एक पावर कैंसिल, माइनस एक्स बचा माइनस टू एक्स बचा, ये माइनस भी मल्टीप्लाई होगा टू भी मल्टीप्लाई होगा टू एक्स, तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स एल एन एक्स ओवर एक्स फोर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे टू एक्स एल एन एक्स और ये माइनस थ्री एक्स ओवर एक्स फोर हो जाएगा। बेटे आप x कॉमन निकालोगे यहाँ से, x x से कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब बन जाएगा और ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आपके पास सॉल्व हो गया आगे इक्वेशन नंबर थ्री की सूरत में। अब हम क्या करेंगे फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए पुट क्या करेंगे, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू जीरो करेंगे इन इक्वेशन नंबर टू, तो यहाँ जीरो इज इक्वल टू वन माइनस एल एन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो जीरो इज इक्वल टू वन माइनस एल एन एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट पेज की जानेब, बेटा एल एन एक्स इज इक्वल टू वन हो जाएगा। अब एक्स मालूम है ना, टेकिंग एक्सप्रेशन वन साइड लेंगे तो यहाँ से एल एन ई से कट जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ई हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन नंबर थ्री, थ्री में पुट करेंगे एफ डबल प्राइम ऑफ ई इज इक्वल टू टू एल एन ई माइनस थ्री अपॉन ई क्यूब। बेटा एल एन ई हमेशा वन हो जाता है तो टू माइनस थ्री बचा और ये माइनस वन अपॉन ई क्यूब और माइनस का मतलब है लेस देन ज़ीरो और लेस देन ज़ीरो आ जाता है तो मैक्सिमम हो जाता है। तो सो एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई फॉर रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू पुट एक्स इज इक्वल टू ई इन इक्वेशन नंबर वन, जो सवाल दिया हुआ था फंक्शन उसमें डाल देंगे। वन इज इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एल एन ई अपॉन ई और एल एन ई वन होता है और वन अपॉन ई
यही वैल्यू आपने साबित करनी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। ये एक्सरसाइज नंबर 6.5 से लिए गए। एवेलुएट करना है इंटीग्रल साइन है और डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है। 0 से लेकर a तक लिमिट है dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब देखें इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सबट्रिग्नोमेट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, सवाल कॉपी पेस्ट कर दिया, फॉर्मूला लिखा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा सपोज करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, डी एक्स की वैल्यू निकाली ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आपने क्या किया, यहाँ पे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। व्हेन एक्स की कीमत 0 है तो एक्स बराबर ए टेन थीटा, बेटा यहाँ पे एक्स की कीमत 0 डाल दिया, ए मल्टीप्लाई करा 0 से डिवाइड होकर ख़त्म, 0 इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन को उधर घुमाइएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 0 और टेन इनवर्स 0 क्या होता है 0 होता है। अब दूसरी वैल्यू निकालेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए। अब ज़रा देखिएगा और सर, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू ए डालेंगे, ए से ए कैंसिल 1, टेन इनवर्स इधर घुमाया, टेन इनवर्स 1 45 होता है, पाई बाय 4, ये आपके पास लिमिट भी चेंज हो गई। अब ये सारी रिप्लेसमेंट जो थी वो इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे रिप्लेसमेंट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, वन इज एम्प्लाइज एट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाय 4 ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपाउंड ए स्क्वायर प्लस ए टेन थीटा का स्क्वायर, इसकी होल पावर 3/2 हो गई बेटा। अब देखें बेटा हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, ये ए स्क्वायर टेन स्क्वायर हो गया। अब क्या किया, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे कॉमन, मगर होल पावर 3/2 के साथ बाहर निकलेगा। अच्छा यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। अब देखो ऊपर बचा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए क्यूब बचेगा, क्योंकि ए का क्यूब, और 1 प्लस टेन स्क्वायर बन जाएगा सेक स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर पावर कैंसिल। अब जरा गौर से देखो, ए से ए कैंसिल, 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ऊपर रहा, ये पावर 2 से 2 कैंसिल, सेक की पावर 3 आ गई, 2 पावर से 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे बेटा 1 अपॉन सेक थीटा, और अगले स्टेप में करूँगा 1 अपॉन सेक थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। यहाँ तक इसको नोट डाउन कीजिए। वन अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाय 4 कॉस थीटा बन गया, 1 अपॉन sec cos थीटा, cos का इंटीग्रल हो गया sin। अब आपने अप्लाइंग अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट करना है, sin पाई बाय 4 माइनस sin 0, sin 0 0 होता है, sin पाई बाय 4 45, और इसकी वैल्यू निकालिए कैलकुलेटर से 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा। बस आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो इंटीग्रल का आंसर आएगा 1 अपॉन रूट 2 ए स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये 3.2 एक्सरसाइज से लिए गए। द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट पी एंड 0.3 इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड द लाइन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फाइंड द लोकस ऑफ पी, लोकस ऑफ पी मालूम करना है। तो अब नेक्स्ट पेज पे बेटे इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए बेटा सबसे पहले हमने लिखा लेट पी एक्स वाई बी द वेरिएबल पॉइंट है और डायग्राम बना दी पी एक्स वाई और ए पॉइंट बना दिया इसको, इसका इसके फासला बराबर होगा और इसका इस लाइन वाई प्लस 3 से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला बनाएंगे, यहाँ पे पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला, तो पी ए डिस्टेंस बराबर डी के हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पर दो फार्मूले मुख्तलिफ लग रहे हैं और दोनों का डेटा डिफरेंट होगा। अब कैसे डिफरेंट होगा बेटा, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे पी और ए, तो पी के पॉइंट्स एक्स वन वाई वन बनेंगे, एक्स वन वाई वन एक्स और वाई होगा रिप्लेस करोगे, एक्स टू वाई टू ए के कॉर्न 0.3 यहाँ रिप्लेस करोगे, यहाँ पे क्या करोगे एक्स वन वाई वन एक्स वाई होगा क्योंकि वेरिएबल पॉइंट है,
और वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो इक्वेजन से क्या निकालोगे, ए बी सी की। अब यहाँ पे एक्स तो एब्सेंट है तो ए का क्वेश्चन जीरो हो गया, वाई का क्वेश्चन बी वन हो गया और थ्री सी कॉन्स्टेंट हो गया। यहाँ पर रिप्लेस करते हैं और सिम्प्लीफाई करते हैं, अंडर रूट जीरो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई वाई प्लस थ्री मॉडुलस डिवाइडेड बाय अंडर रूट जीरो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। मेरे बड़े अब इसको सिम्प्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर थ्री माइनस वाई का स्क्वायर, अब मॉडुलस क्या बना, वाई प्लस थ्री डिवाइड बाय अंडर रूट वन, अंडर रूट वन वन होगा, वन से डिवाइड होकर ये आ गया। यहाँ तक इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद फर्दर मोर सिम्प्लीफाई करते हैं। बेटे मॉड खोलेंगे तो प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, तो ज़रा गौर से देखिएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई प्लस थ्री, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर से ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खुलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस नाइन, तो नाइन से नाइन कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटे। अच्छा अब देखें क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एट की जाने बढ़ते हैं, 6.9 एक्सरसाइज है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है, एवेलुएट, ये सवाल भी पास्ट पेपर में आपको मिलेगा, आ चुका है बेटा। लेट आई करेंगे 7x माइनस 25 dx डिवाइड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 4। लेट पार्शियल फंक्शन, ये वाली चीज़ हमने यहाँ लिख ली, यहाँ पे दो लीनियर फैक्टर्स हैं और नॉन रिपीटेड हैं, तो क्या करेंगे, a अपॉन x माइनस 3 करेंगे प्लस b अपॉन x माइनस 4, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, LCM लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस, ये दोनों इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ तक इसको नोट डाउन कीजिए बेटा, देखिए बेटा क्या बचेगा आपके पास, 7x माइनस 25 इजिकल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 4 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 3, इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। पहला लीनियर फैक्टर आपके पास क्या था, x माइनस 3 था, पुट x माइनस 3 इजिकल टू 0 रखेंगे, x इजिकल टू 3 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे, 2 इज एम्बलाइज 7 माइनस 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 25, यहाँ पे आप 3 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 3 डालें, 3 माइनस 4 माइनस ए हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू 4 हो गई। अब दूसरा फैक्टर क्या था, पुट बी के नीचे एक्स माइनस 4, तो पुट एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4, इन इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे, यानी कि ये वाली इक्वेशन में, तो देखिए 7 मल्टीप्लाई 4 माइनस 25, अब यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा, तो करने की जरूरत नहीं, बी इंटू 4 माइनस 3, यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब आगे बढ़ाइएगा, पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए, तो 7x माइनस 25 ओवर x माइनस 3 x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 ओवर x माइनस 3 प्लस 3 अपॉन x माइनस 4, ऑन इंटीग्रेशन करेंगे मेरे बड़े, इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे यहाँ पे सब जगह। अब देखिए ये तो सवाल आई बन गया, यहाँ पे 4 ऐसे रहा, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो एल एन के साथ फंक्शन जोड़ दीजिए, प्लस यहाँ पे 3 रहा, नीचे x माइनस 4 फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, एल एन एक्स माइनस 4 और प्लस सी कर दीजिए, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। और इसके साथ ही बेटा हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, मज़ीद नए सवालात के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहेगा सॉल्यूशंस, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।